पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस की नजर कल अहमदाबाद में होने वाले भारत पाकिस्तान मैच पर होगी, मगर फैंस के साथ मैच पर आतंकवादियों की भी बुरी नजर है। आईबी से मिले इनपुट के मुताबिक मैच को लेकर खालिस्तानी आतंकियों की धमकियां मिली हैं। इसके अंदर जो खालिस्तान से जो भी थ्रेट्स आ रहे थे उनके हिसाब से जो हमारे पास इनपुट आ रहा है आईबी से उसके हिसाब से हम उस पे एक्शन ले रहे हैं। आतंकी धमकी के बाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम की किलेबंदी हो चुकी है। स्टेडियम की सुरक्षा की तैयारियों को देखने के लिए जी न्यूज की टीम भी अहमदाबाद पहुंची। 14 अक्टूबर को होने वाले क्रिकेट के महामुकाबले के लिए तैयार है अहमदाबाद और तैयार है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम। लेकिन इस मुकाबले के लिए जितने कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस कदर इस मुकाबले पर आतंकवादियों की भी नज़र है और बार बार इसको लेकर धमकियाँ दी जा रही है। यही वजह है कि गुजरात पुलिस पूरी तरह सतर्क है और इसकी सुरक्षा के लिए NSG और RAF तक को लगाया गया है। आतंकी खतरे का मुकाबला करने के लिए पुलिस और खुफिया एजेंसियों की पूरी टीम तैयार है। बकायदे ड्रोन से स्टेडियम के आसपास के इलाके की निगरानी की जा रही है। मैदान के अंदर और बाहर मिलाकर 6,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। मैच की निगरानी के लिए NSG की 3 टीमों को भी लगाया गया है। इसके अलावा 4,000 होम गार्ड्स की भी तैनाती होगी। इस मैच के लिए हमने 11 SP रैंक के ऑफिसर्स को बुलाया गया है। DYSP रैंक के 18 ऑफिसर्स अवेलेबल है। टोटल मिला के लगभग 2,800 जितना बंदोबस्त हमने यहाँ पे रखा है। उसके अलावा हमने NDRF SDRF की जो स्पेशल यूनिट्स है उनको भी रखा है। ड्रोन इसके सर्विलेंस के लिए हम यूज कर रहे हैं कि क्या यहाँ पे क्या कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह तो नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आसपास, उसके लिए हम यूज कर रहे हैं। परसों पाकिस्तानी टीम के पहुंचने के बाद कल भारतीय टीम भी अहमदाबाद पहुंच गई। भारी सुरक्षा के बीच टीम की बस होटल पहुंची थी। पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में मुकाबले के लिए टीम इंडिया अहमदाबाद पहुंच चुकी है और मैं इस वक्त उस होटल में मौजूद हूं अहमदाबाद के जहां पर टीम इंडिया इस मुकाबले के लिए रुकने वाली है। अगर मैं यहां हालातों की बात बताऊं, देखिए कितने कड़े सुरक्षा इंतजाम यहां पर टीम इंडिया के लिए किए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके का थ्रेट है धमकियाँ भी मिल रही हैं, तो कड़ी सुरक्षा के बीच टीम इंडिया को यहाँ पर लाया गया है। रिकॉर्ड्स उठाकर देखें तो वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में आज तक पाकिस्तान भारत से कभी नहीं जीता, और जिस तरह की फॉर्म भारत की पिछले 2 मैचों में दिखी उसे देखकर लगता है कि पाकिस्तान का ये रिकॉर्ड इस मैच में भी बरकरार रहने वाला है। वनडे के विश्व कप का इतिहास रहा है कि जब जब पाकिस्तान भारत के सामने आया है तब तब उसको करारी हार मिली है, और इस बार ये बारी है 8वीं हार की, क्योंकि इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर जब 14 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान की टीम ने आमने सामने होंगी तो फिर भारत इस वर्ल्ड कप की हैट्रिक बनाने के इरादे से उतरेगा, और ये हैट्रिक इसलिए और खास हो जाएगी क्योंकि ये जीत आएगी तो पाकिस्तान के खिलाफ। दोनों देशों के करीब 160 करोड़ दर्शक कल पूरे दिन इस मैच पर नजरें गड़ाए रहेंगे। जाहिर है भारत में इस मैच को लेकर जबरदस्त क्रेज है। भारतीय फैंस को भी अपनी टीम पर पूरा भरोसा है। पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। एक तरफा मारेंगे पाकिस्तान को। पाकिस्तान को अभी 14 तारीख को पता चल जाएगा कौन फॉर्म में और कौन फॉर्म में नहीं है। पूरी लाइनअप हमारी पूरी फॉर्म में आ गई है। बहुत मजा आया इस बार पाकिस्तान को बहुत सावधान रहना चाहिए। फाइनल और सेमीफाइनल्स में इस बार इंडिया वर्ल्ड कप को हासिल करके ही रहेगा। बस पाकिस्तान को तो मेरे ख्याल से प्रे कर रहा होगा कि उनके बॉलर्स कुछ कर दे, स्टार्टिंग में आउट कर ले, क्योंकि एक बार सेट हो गए ना हमारे बैट्समैन छोड़ेंगे किसी को नहीं। अगले मैच में गिल वापस आ रहे, शाहीन शाह का मोर बनाएगा बिल्कुल। फैंस की ये दीवानगी कल के मैच में भी दिखने वाली है। स्टेडियम में मैच देखने के लिए करीब 1,30,000 दर्शक आएंगे। दर्शकों की इतनी भारी संख्या के साथ टिकट्स की भी मारामारी है। एक फैन ने दावा किया कि मैच की 2,000 की टिकट ब्लैक में 20,000 तक खरीदी जा रही है। लगभग 5 दिन से मैं ढूंढ रहा हूँ टिकट के लिए, लेकिन मेरे को मिल नहीं रही क्योंकि टिकट का ब्लैक में बिक रही है। अभी 2,000 की टिकट अभी 20,000-22,000 में बिक रही, और लास्ट जो पेविलियन वाली प्रेसिडेंट टिकट है वो 2.5 लाख वाली 40 लाख में अभी बिकी है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के अंदर कल भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। एक और जहां मैदान में चौके छक्के लग रहे होंगे तो वहीं स्टेडियम के चारों तरफ सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे जाएंगे। आप यकीन मानिए कि जिस तरीके की ये मुकाबला होने वाला है और जिस तरीके से सर भी कह रहे थे कि थ्रेट्स है खालिस्तान की तरफ से थ्रेट्स आए गए हैं, उसके मद्देनज़र कोई भी कोर कसर यहाँ पर गुजरात पुलिस नहीं छोड़ रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर ना सिर्फ फैंस होने वाले हैं बल्कि बड़ी संख्या में VIP मूवमेंट भी होगा, और उसको लेकर पूरी तरीके से पुलिस सतर्क है। कैमरा पर्सन संघर्षण मलिक के साथ किरण चोपड़ा, Zee Media अहमदाबाद। Zee